सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है अभी और मेरी चाय और परांठे बन चुके हैं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल अवर यूट्यूब फैमिली। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज है नए साल का पहला दिन, ये पहले दिन से शुरुआत हो रही है। चाय सुबह का टाइम है, अभी अभी ड्यूटी जाएंगे। और इससे पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉग शूट किया था, वो भी सुबी ने जो खाना वगैरह बनाया था वही शूट किया था। बाकी और कुछ भी शूट मैंने यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि मेरे ऑलरेडी जो पहले वाले ब्लॉग है ना वही खत्म नहीं हुए हैं। और आप सब न्यू ईयर पे क्या कर रहे हो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, बताइएगा जरूर आप सबने क्या क्या किया न्यू ईयर। वैसे तो रोज ही न्यू ईयर है, क्यों जी? बिल्कुल, रोज न्यू ईयर है, हर रोज नया दिन है, वही शुरुआत है, वही शुरुआत है। कुछ खास नहीं है। वाह, गुड मॉर्निंग शुभी, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबको। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, ढेर सारी खुशियां आए सबके जीवन में, ढेर सारी खुशियां आए। हैप्पी न्यू ईयर शिवा, बोलो हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू। सो फाइनली अभी पति देव तो चले गए हैं ड्यूटी और मैं ना अभी बैठ के पता क्या कर रही थी, मैं आपको बताती हूँ। शिवा पढ़ रहा है नीचे, सुबह भी पढ़ रही थी। मैंने आज बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाया है जो आपको इस कैमरा में इतना साफ नहीं दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल सा है। मतलब मुझे लग रहा है ये डिज़ाइन ना जैसे वो ड्रैगन लिली नहीं होता उस तरह से लग रहा है ये वाला डिज़ाइन। तो इसको वीडियो में बनाऊंगी लेकिन बहुत लेंथी डिज़ाइन है। हाँ, और शिवा अब ना पढ़ने लग गया है, मतलब लिखने लग गया है, पीछे आपको कपड़े दिख रहे होंगे। अब थोड़ा सा काउंटिंग वगैरह लिखने लग गया है, काउंटिंग वगैरह खुद लिखना पड़ता है मुझे, हाथ से इसका पकड़ना नहीं पड़ता। बाकी हिंदी के भी थोड़े बहुत अक्षर लिख रहा है और इंग्लिश के भी थोड़े बहुत लिख रहा है, मुझे लगता है जल्दी इम्प्रूव कर लेगा। हाँ पे लिखो, हाँ ठीक है लिखो मेरे प्यारा बच्चा। ओ देखो सभी बीच से किसने मेरी प्यारी रानी बेटिया लिखवा हुआ ना। तो अभी बस मैं सफाई वगैरह करूंगी। तो हमारे तो न्यू ईयर पे कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं होता, मुझे तो लगता है एवरी डे इज अ न्यू ईयर, हर रोज नए अनुभव होते हैं, हर रोज नए एक्सपीरियंस होता है, हर रोज लाइफ का मतलब नया दिन है, नया ये है तो न्यू ईयर। और आप सब कैसे सेलिब्रेट करते हो प्लीज कमेंट पे जरूर लिखिएगा। शिवा ने लिख रहा, कोई बात नहीं लिखेगा, अभी इसका मूड नहीं है, रहने दो, कर दो बंद, जब मूड होगा इसका तब कराएंगे। हाँ? हम चॉकलेट खा सकते हैं, एक खा लिया आपने, अभी अब नहीं खाओगे, ओके। चलो अब चलो जल्दी से, ऐसा करो दोनों भाई बहन ब्रश करो, सबसे पहले इनका दूध वगैरह पिया, अब उसके बाद ब्रश करवाऊंगी। बिस्तर पे ही होते हैं और आजकल ठंड भी है तो सोचती हूँ कि पहले खाना पीना तो बाद में होता है, लेकिन पीना नहीं, सॉरी पीना पहले हो जाता है, खाना बाद में होता है। चलो अभी बिस्तर वगैरह ठीक कर लेते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा करते हैं और उसके बाद बनाते हैं खाना। तो अभी हो रहा है ये शाम का टाइम और सूर्य ढलता हुआ ना इतना सुंदर लग रहा था, पहाड़ियों के पीछे छुपता हुआ, मैंने इसको कैप्चर करने की कोशिश की है और आपको भी ये ब्यूटी दिखाने की मैंने कोशिश की है। देखिए पहाड़ियों के पीछे ना बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस सुबह की तो यहाँ पे इसी तरह से मस्ती होती रहती है। आपने वो कहा, मैं बना रही हूँ खाना, अभी खाना डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में मैं क्या बना रही हूँ आज, डिनर में मेरी बन रही है गोभी और ये अदरक डाल दिया, बाकी तो लंच के टाइम तो बनी बनी सूखी नहीं सब्जी। बोलो नहीं नहीं नहीं, मुझे भिंडी अच्छी लगती है। हाँ भिंडी अच्छी लगती है, भिंडी अच्छी तो लगती है। हाँ उसको भी एक दो दिन खिला देंगे तो वो भी तो मना करेगी, फिर बोलेगी मैं तो इसको भी नहीं खाऊंगी।
क्यों नहीं पता है मुझे, उनको भी होती है, वो वापस आती है वैसे भी ऐसी, वो क्यों आती है वापस? क्योंकि ना मैं फ्रेंड के साथ खेल रही होती हूँ। आग लग गई नीचे, पानी लग गया, ये पानी की बनी थोड़ा बहुत तेल होगा ना। मैगी बनाई है अभी? हाँ जी। वो जो मैगी वो कहाँ डाला? क्या एक ही पलटा है बेचारा इधर वाला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। मैंने कल से ब्लॉग को स्टार्ट किया था, न्यू ईयर से एक्चुअली कुछ मूड नहीं था ब्लॉग बनाने का, तो अभी जाके मैं इस ब्लॉग को खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट डे आज 2 तारीख है और सुबह हो रही है नेक्स्ट डे, और अभी पता क्या कर रही हूँ, देखो जल्दी जल्दी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने आटा गूंथ के रखा है, साइड में मैंने आटा रखा है, मतलब पराठे बनाने वाली हूँ अभी सुबह सुबह, और संडे है आज। यहाँ पर मैंने पराठे का मसाला तैयार कर दिया है। किसके पराठे बना रही हूँ मैं? मूली और गोभी के पराठे बना रही हूँ, मिक्स करके मैं पराठे बना रही हूँ। और पता क्या, वैसे हम लेट उठते थे, अभी संडे के दिन खासकर लेट उठते हैं, तो अभी कहीं जाने वाले भी हैं जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और इसके साथ सुब्बी को कल बहुत बड़ी न्यूज़ मिली थी, मतलब क्या न्यूज़ थी वो, सुब्बी ना, सुब्बी की फ्रेंड आई थी यहाँ पे घूमने, लेकिन उन्होंने रात को लेट फ़ोन किया, मतलब रात हो गई थी उस टाइम, और उस टाइम उन्होंने फ़ोन किया, वो वहाँ पे होटल में स्टे कर रहे हैं अभी, तो इतनी बड़ी, और सुब्बी इतनी उतावली हो रही थी कि वो इधर ही आ जाए, उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और एक ही बेस्ट फ्रेंड है उसकी, उसकी जैसे वो मैंने पहले ब्लॉग बनाया था ना, उस वहाँ पर मैंने आपको मिलाया भी था उसके साथ, तो वही यहाँ पर आए हैं घूमने, तो बस अभी सुबह उनको इन्वाइट किया है ब्रेकफास्ट पर, इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट यहाँ पर बना रही हूँ, और शायद उसके उनके साथ हम चलेंगे फिर टेम्पल। तो इसी ब्लॉग को मैं यहीं पर, अभी तक सुबह सोई है और सुबह मैंने उनको कॉल की थी, तो चलिए अभी मैं पराठे बनाती हूँ फटाफट से, और ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पर ही खत्म। आई होप आपने ब्लॉग इंजॉय किया होगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप सबने न्यू ईयर कैसे कैसे सेलिब्रेट किया। आई ऑब्वियसली मेरे से तो ज़्यादा अच्छी सेलिब्रेट की होगी, क्योंकि मैंने कुछ खास नहीं किया इस न्यू ईयर पे मेरे लिए। हम ऐसे आदमी हैं जो जिनके लिए हर रोज़ न्यू ईयर है, हर रोज़ नया दिन है, हर रोज़ नया एक्सपीरियंस है, हर रोज़ ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।